हेलो एवरीवन, माय सेल्फ इज समीत। आप देख रहे हैं समीत की कॉर्नर ऑफिशियल। आज हम आपके लिए लेके आए हैं क्लास 9 का ज्योग्राफी का चैप्टर 5 नेचुरल वेजिटेशन वाइल्ड लाइफ यानी भूगोल अध्याय 5 प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन। इस चैप्टर को हमने जो है क्लाउड के इसके अंदर बनाया है, क्लाउड 1, क्लाउड 2, क्लाउड 3, और जैसे ही ये चैप्टर पूरा होगा तो क्लाउड्स जो है कंप्लीट होंगे। तो सबसे पहले हम अपनी ये सीरीज शुरू करते हैं, क्लाउड सीरीज। क्लाउड सीरीज आपके सामने प्रेजेंट है, देखते रहिए समित्री कॉर्नर ऑफिशियल आपके लिए। नाउ प्रेजेंट क्लाउड 1 ऑफ क्लास 9 नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ भूगोल अध्याय 5 प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन। सबसे पहले आपके लिए एक सवाल, प्राकृतिक वनस्पति क्या है? व्हाट इज नेचुरल वेजिटेशन? ये पिक्चर आपके सामने मौजूद है और इमेजिन कीजिए, कल्पना कीजिए कि जो है जैव प्रकार के पूरे देश में उपलब्ध है रूप जो है, यानी हर तरह की वेजिटेबल, हर तरह की जो वेजिटेशन हमारे कंट्री में, हमारी पृथ्वी पर मौजूद है। ये इमेजिन कीजिए और इमेजिन क्या कीजिए, ये एग्जिस्ट करते हैं, इसलिए हमको इमेजिन करने के साथ साथ ये भी सोचना है और हमारे ये मस्तिष्क के अंदर, हमारे थॉट्स के अंदर क्या क्या आता है वो भी आपको समझ में आ रहा होगा इस पिक्चर के जरिए। इस चैप्टर से जुड़ा हुआ दूसरा एक सवाल, व्हाट इज वाइल्ड लाइफ यानी वन्य जीवन क्या है? जैसा कि आपके सामने पिक्चर मौजूद है, एक जो है आपके सामने परिवार दिखाई दे रहा है, इसके अंदर एक फैमिली दिखाई दे रही है जो कि हमारे जो है वाइल्ड लाइफ को शो करती हुई नजर आती है। ये बहुत ही छोटा सा जो है ट्रेलर आपके सामने है, देखते रहिए हमारा क्लाउड 1। इस चैप्टर का इंट्रोडक्टरी वीडियो आपके सामने। अब आप ये देखिए, इंडिया इज वन ऑफ द 12 मेगा बायोडायवर्सिटी कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। भारत विश्व के 12 विशाल जैव विविधता वाले देशों में से एक है। हैविंग अबाउट 47 प्लांट स्पीसीज, इंडिया ऑक्यूपाई 10th प्लेस इन वर्ल्ड। लगभग 47,000 पौधों की प्रजातियों के साथ भारत दुनिया में 10वें स्थान पर है। 15,000 फ्लावरिंग प्लांट्स इन इंडिया, भारत में 15,000 फूल वाले पौधे भी मौजूद हैं। ये हम कोई अलग से नहीं बता रहे, ये आपके चैप्टर में भी मौजूद है, लेकिन ये कहानी आपको देख करके अच्छा लगेगा, आपको सुन करके अच्छा लगेगा और आपको याद होने में बहुत आसानी होने वाली है, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। ये चैप्टर देखते रहिए हमारे साथ क्लाउड 1। इंडिया हैव अप्रोक्सीमेटली 90,000 स्पीसीज ऑफ एनिमल एज वेल एज रिच वैरायटी ऑफ फ्रेश इन इट्स फ्रेश एंड मैराइन वाटर। भारत में जानवरों की लगभग 90,000 प्रजातियां हैं, साथ ही इसके ताजे और समुद्री जल में मछलियों की एक बहुत तादाद मौजूद है। दिस ह्यूज डाइवर्सिटी ऑफ नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ मेक्स देम ए मैटर ऑफ स्टडी। प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन की ये विशाल विविधता उन्हें अध्ययन करने का विषय बनाती है, इसलिए देखते रहिए बहुत ही इंफॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग ये चैप्टर क्लास 9 का क्लाउड 1 में, देखते रहिए हमारे साथ। हम आपको बता दें हम इस चैप्टर के अंदर क्या स्टडी करने जा रहे हैं। नंबर 1, वर्जिन वेजिटेशन यानी अक्षत वनस्पति किसे कहते हैं। रिलीफ लैंड एंड सॉइल, धरातल भूमि और मिट्टी के बारे में बताएंगे। क्लाइमेट के बारे में बताएंगे, टेम्परेचर और फोटोपीरियड, सनलाइट और प्रसिपिटेशन के बारे में बताएंगे, जलवायु, तापमान, फोटोपीरियड, सूर्य का प्रकाश, वर्षा और इकोसिस्टम के बारे में हम आपको इस चैप्टर में जो है बताने जा रहे हैं। तो देखते रहिए ये चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग। इस चैप्टर में और हम क्या पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ वेजिटेशन, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट, स्क्रब्स, माउंटेन फॉरेस्ट, मैंग्रोव फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ इन इंडिया, थ्रेट्स एंड स्टेप्स टेकन फॉर कंजर्वेशन, वनस्पति के प्रकार, उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन, उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन, उष्ण कटिबंधीय कांटेदार वन,
झाड़ियां, मोंटोने वन, मैंग्रोव वन, वन्य जीव, भारत में वन्य जीव खतरे और संरक्षण के लिए उठाए गए कदम, ये सब हम पढ़ने जा रहे हैं। उसके साथ साथ आपको बताएंगे मेडिसिनल प्लांट कौन कौन से होते हैं, बहुत से आपने नाम भी सुने होंगे जैसे कि तुलसी, एलोवेरा, पेपरमेंट, मैरीगोल्ड, लेवेंडर, रोजमेरी, ये सब जो है मेडिसिनल प्लांट के बारे में भी आपको हम बताएंगे। तो देखते रहिए ये चैप्टर का। हमारा पहला पॉइंट बहुत ही इम्पोर्टेंट, वर्जिन वेजिटेशन यानी अक्षत वनस्पति किसे कहते हैं। प्लांट कम्युनिटी बट नॉट एट ऑल प्लांट कम्युनिटी कैन बी सेड वर्जिन वेजिटेशन, यानी पादप समुदाय, लेकिन सभी पादप समुदायों को कुआरी वनस्पति नहीं कहा जा सकता। वेजिटेशन विच ग्रोस नेचुरली विदाउट ह्यूमन एड एंड हैज बीन लेफ्ट अनडिस्टर्ब बाय ह्यूमन फॉर ए लॉन्ग टाइम नोन एज नेचुरल वेजिटेशन, वह वनस्पति जो मानव सहायता के बिना प्राकृतिक रूप से उगती है और लंबे समय से मानव द्वारा बिना किसी बाधा के छोड़ दी गई है, जिसे प्राकृतिक वनस्पति के रूप में जाना जाता है। यानी अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि जो है वर्जिन वेजिटेशन कैसे कहते हैं। एक नंबर वाला जो है क्वेश्चन जरूर आता है इसके अंदर से कि वर्जिन वेजिटेशन क्या होता है। आप कंफ्यूज बिल्कुल मत होइएगा, इस डेफिनेशन को अच्छे से याद रखिएगा। Hence, we can say that cultivated crops and fruits or curds form part of vegetation but not natural vegetation. इसलिए हम कह सकते हैं कि खेती की फसलें और फल बाग वनस्पति का तो हिस्सा है लेकिन प्राकृतिक वनस्पति नहीं है। वर्जिन वेजिटेशन को ही और एलाबोरेट करते हुए हम आपको बताते हैं, ये दो तरह की होती है, एंडेमिक और इंडिजीनियस स्पेसीज, स्थानिक या स्वदेशी प्रजाति। वर्जिन वेजिटेशन विच आर प्योरली इंडियन, यानी कुआरी वनस्पति जो विशुद्ध रूप से भारतीय है। एक्सोटिक स्पेसीज यानी विदेशी प्रजातियां, द स्पेसी विच हैव कम फ्रॉम आउटसाइड इंडिया आर टर्म एज एक्सोटिक प्लांट, भारत के बाहर से आने वाली प्रजातियों को विदेशी पौधे कहा जाता है। ये कुछ तस्वीरें आपके सामने मौजूद हैं, ये सब अक्षत वेजिटेशन यानी जो अक्षत वनस्पति वर्जिन वेजिटेशन की दी हुई है, बहुत अच्छे से देख लीजिए समझ लीजिए। सबसे पहले हम बात करेंगे फ्लोरा और फौना, यानी वनस्पति की बात करेंगे, फौना यानी प्राणी जगत की बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले प्लांट्स ऑफ ए पर्टिकुलर रीजन, किसी विशेष क्षेत्र के पौधे, ये इसमें सब शामिल होते हैं। इसके अलावा स्पेसीज ऑफ एनिमल, जानवरों की प्रजातियां, वो फौना के अंदर शामिल होती हैं। दिस डाइवर्सिटी इन फ्लोरा एंड फौना किंगडम इज ड्यू टू दी फॉलोइंग फैक्टर, ये जो है वनस्पतियों और जीवों के साम्राज्य में विविधता निम्नलिखित कारणों के कारण होती है, रिलीफ यानी धरातल के कारण और क्लाइमेट यानी जलवायु के कारण। ये जो है रीजन होते हैं किसी भी एरिया के वनस्पति और प्राणी जगत के अंदर जो डिफरेंसेस होते हैं, अलग अलग मुख्तलिफ, अलग अलग जो है विविधता डाइवर्सिटी वाले वनस्पतियां पाई जाती हैं, अलग अलग जो है प्राणियों की जो है प्रजातियां पाई जाती हैं। तो हम इसको एक एक करके जो है आपको एलाबोरेट करते चले जाएंगे, आपको समझाते जाएंगे, बहुत ध्यान से देखते रहिए, आपको अच्छे से समझ आएगा। इस स्लाइड का हमारा प्रश्न, व्हाट इज रिलीफ, धरातल क्या है। धरातल के बारे में हम जो है कहें तो बताएं आपको जो है पिछले चैप्टर 4 के अंदर भी आपको समझाया था, लैंड क्या है यानी भूमि क्या है और सॉइल क्या है यानी मिट्टी क्या है, इन दोनों के अंदर बहुत ही फर्क है। जहां आपके पैर पड़ रहे हैं, अगर पहाड़ पे हैं और आपके पैर टिके हुए हैं तो इसका मतलब वो धरातल है। और मिट्टी अलग अलग जो है एरिया की अलग अलग मिट्टी होती है, अलग अलग एरिया की का अलग अलग जो है धरातल होता है, कहीं पहाड़ी है, कहीं जो है रेतीला है, कहीं जो है बर्फीला है। ये जो है सारे के सारे जो है हम जो है धरातल की बात करेंगे और मिट्टी की बात करेंगे। मिट्टी के ही कारण हम अलग अलग फसलें, अलग अलग वेजिटेबल्स, अलग अलग वेजिटेशन उगाने में कामयाब होते हैं। और वेजिटेशन होना मिट्टी के लिए बहुत जरूरी है
और उसी पे ही सारा का सारा जो है दारोमदार टिका हुआ है। किस पे? लैंड पे और सॉइल पे, यानी मिट्टी और भूमि के ऊपर। अब हम बात करेंगे लैंड के बारे में, यानी भूमि और जमीन। माउंटेन होते हैं, प्लेट्यू हैं, प्लेन एरिया हैं, नेचर ऑफ लैंड इन्फ्लुएंसेस द टाइप ऑफ वेजिटेशन, पर्वत, पठार, मैदानी क्षेत्र भूमि की प्रकृति वनस्पति को प्रभावित करती है। तो ये जो है सारी की सारी जो है लैंड के कारण, यानी भूमि के कारण ये सब जो है आपको नजर आता है। अब हम बात करेंगे सॉइल के बारे में, मिट्टी के बारे में बात करेंगे। विभिन्न क्षेत्रों के अनुसार इनकी प्रकृति बदलती रहती है, वनस्पति और वन्य जीव उसी पर निर्भर करता है। रेतीली मिट्टी कटीली झाड़ियों को सहारा देती है, जैसे कि आपको ये तस्वीर आपको नजर आ रही है। डेल्टाई भूमि के अंदर मैंग्रोव वन जो होते हैं और वो उनको सपोर्ट करती है। इस तरह हम जो है मिट्टी के बारे में जो है आपको बता रहे हैं। यानी मिट्टी और रिलीफ, यानी ये दो जो है कंपोनेंट ऐसे हैं जो कि बहुत ही मेजर रोल प्ले करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं फ्लोरा को और फौना को किसी भी एरिया के। धरातल के ये दो घटक किसी क्षेत्र की वनस्पतियों और जीवों को प्रभावित करने के लिए प्रमुख भूमिका निभाते हैं। जैसे कि आप ये देख रहे हैं, ये आपको ये मैंग्रोव वन आपका के सामने आपकी ये तस्वीर दिखाई दे रही है। इससे पिछली भी स्लाइड के अंदर आपको दिखाया था। कटीली जो है झाड़ियां जो है कहाँ पे होती हैं, जहाँ पे बारिश कम होती है, रेतीली और जो है पथरीली जो जमीन होती है वहां पे जो है उस तरह की झाड़ियां उगती हैं, और जहाँ पे पानी का जो है बहुत याद होता है वहां पे ये मैंग्रोव वन हम आपको देखते हैं। जहाँ पे डेल्टा जो है नदियां बनाती हैं उस क्षेत्र के अंदर जो है कैसी वनस्पति होती है और कटीली क्षेत्र में कैसी वनस्पति होती है, ये आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा आपको। इज इट क्लियर नाउ? इस स्लाइड के अंदर हम आपसे बात करेंगे जलवायु के बारे में, यानी क्लाइमेट के बारे में बात करेंगे। अब आप यह रिकॉल कीजिए चैप्टर 4 को, क्लाइमेट इन्फ्लुएंसेस नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। जलवायु प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीव को प्रभावित करती है और उसके एलिमेंट कौन कौन से हैं, उसमें है आपका यह टेम्परेचर, फोटोपीरियड, सनलाइट और प्रसिपिटेशन यानी बारिश। देयर आर फोर मेन टाइप्स ऑफ प्रेसिपिटेशन, चार तरह की बारिश होती है। इसके बाद ये आप ये देख रहे हैं थर्मामीटर के अंदर टेम्परेचर डाउन होता हुआ दिखाई दे रहा है। जहाँ सूरज तेज भी चमकेगा वहाँ पर टेम्परेचर अप हो जाता है, बढ़ जाता है, यानी गर्मी बढ़ जाती है और उसी के कारण वेजिटेशन भी जो प्रभावित होता है और जो हमारा जो प्राणी जगत यानी जो फोना भी प्रभावित होता है। तो फ्लोरा एंड फोना डिपेंड ऑन क्लाइमेटिक कंडीशन ऑफ द पर्टिकुलर एरिया। जलवायु को ही और एलोबरेट करते हुए आपको बताते हैं क्लाइमेट यानी जलवायु किस तरह प्रभावित करती है एक एरिया के जो है और दूसरे एरिया को जो प्रभावित करती है। हवा में नमी के साथ तापमान, वर्षा और मिट्टी किसी क्षेत्र की वनस्पति को प्रभावित करते हैं। अब आप ये देख रहे हैं एक तस्वीर आपको यह एटाकामा डेजर्ट की दिखाई दे रही है, दूसरी अमेजन फॉरेस्ट की यह दिखाई दे रही है। ये सारी की सारी जो है जलवायु के कारण ही हमको नजर आती है। इस स्लाइड में हम बात करेंगे आपसे वनस्पति क्षेत्रों के तापमान के लक्षण के आधार पर। हम जो है वेजिटेशन जोन जो है में हमने डिवाइड किया क्लाइमेट को यानी जलवायु के आधार पर। इसमें मीन एनुअल एवरेज टेम्परेचर डिग्री में दिया हुआ है, मीन टेम्परेचर जनवरी के अंदर जो डिग्री में दिया हुआ है, इसके अलावा रिमार्क्स जो दिया हुआ है। नंबर वन हम बात कर रहे हैं ट्रॉपिकल यानी उष्ण कटिबंधीय, इसमें टेम्परेचर 24 डिग्री से ऊपर होता है और मीन टेम्परेचर जनवरी में 18 सेंटीग्रेड से अबव होता है और यहाँ पे पाला नहीं पड़ता यानी ज्यादा ठंड नहीं पड़ती, ज्यादा सर्दी नहीं पड़ती। इसके बाद हम सब ट्रॉपिकल की बात कर रहे हैं, इसको हम कह सकते हैं उपोष्ण कटिबंधीय, इसमें 17 डिग्री से लेकर 24 सेंटीग्रेड तक का एनुअल मीन टेम्परेचर होता है और जनवरी के अंदर 10 डिग्री से लेकर 18 डिग्री टेम्परेचर होता है। फ्रॉस्ट इज रेयर, यहाँ पे जो है फ्रॉस्ट कभी कभी पड़ता है। इसके बाद टेम्परेट की बात कर रहे हैं हम यानी शीतोष्ण की बात कर रहे हैं, इसमें 60 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 17 डिग्री टेम्परेचर और जनवरी के अंदर -1 डिग्री से लेकर -10 डिग्री सेंटीग्रेड तक और फ्रॉस्ट सम स्नो और बर्फ भी पड़ती है। इसके बाद अल्पाइन की हम बात कर रहे हैं, इसमें बिलो 7 डिग्री होता है और बिलो -1 सेंटीग्रेड होता है जनवरी में और यहाँ पे बर्फ पड़ती ही पड़ती है। तो ये आपने ये देखा
क्लाइमेट यानी जलवायु के अलग अलग जो है तापमान के लक्षण के बारे में हमने आपको बताया, टेम्परेचर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वेजिटेशन जोन। क्लाइमेट को और एलोबरेट हम करते हुए आपको बता दें, हम आपको बता रहे हैं फोटो पीरियड यानी सनलाइट, फोटो पीरियड सूर्य का प्रकाश, द वेरिएशन ऑफ ड्यूरेशन ऑफ द सनलाइट एट डिफरेंट प्लेसेस डिपेंड ऑन, किस पे डिपेंड करती है, अक्षांश पे यानी लेटीट्यूड पे, एल्टीट्यूड यानी ऊंचाई पे, सीजन्स एंड मौसम और ड्यूरेशन ऑफ द डे दिन की अवधि के ऊपर डिपेंड करती है, देयरफॉर ए लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ सनलाइट ट्री ग्रो फास्टर एंड समर, इसलिए सूर्य के प्रकाश की लंबी अवधि गर्मियों में पेड़ में तेजी से बढ़ते हैं। तो ये सब हमारी क्या होती है, क्लाइमेट के ही कारण होता है। इस स्लाइड के अंदर भी आपको बताते हैं क्लाइमेट यानी जलवायु किस तरह प्रभावित करती है, व्हाई आर द साउथर्न स्लोप्स इन हिमालयन रीजन कवर्ड विद थिक वेजिटेशन कवर्ड एज कंपेयर टू नॉर्थर्न स्लोप ऑफ द सेम हिल, हिमालय क्षेत्र के दक्षिणी ढलानों को उन्हीं पहाड़ों के उत्तरी ढलानों की तुलना में घने वनस्पतियों से क्यों ढका गया है, ये आपको अच्छे से अब ये क्लियर हो गया होगा। ये आप देख रहे हैं ये सन की पोजीशन और ये हमारी पृथ्वी, और इसके अंदर जो है जो जलवायु का जो कारण है, जलवायु का जो कारक है वो आपको किस तरह जो है हमारी वेजिटेशन को प्रभावित करता है ये आपको जो है पता चल गया होगा, वो सब क्लाइमेट के कारण। क्लाइमेट को ही और एलोबरेट करते हुए आपको पता है यानी प्रेसिपिटेशन यानी वर्षण, रेनफॉल यानी वर्षा बारिश, एरिया ऑफ हैवी रेनफॉल हैव मोर डेंस वेजिटेशन केस इन इंडिया, भारी वर्षा वाले क्षेत्र में सघन वनस्पति अधिक होती है, और भारत का ही मामला आप ये देख लीजिए, आप ये देख रहे हैं ये सघन वनस्पति वाले जो है क्षेत्र आपको नक्शे में दिखाई दे रहे हैं, ये सब ग्रीन कलर के जो है आपको जो है सघन वनस्पति वाले जो है क्षेत्र आपको दिखाई दे रहे हैं, इसमें पश्चिमी घाट और पश्चिमी पड़ाव घने जंगलों के आच्छादित है, ना कि पूर्वी ढलानों से, ये तुलना कीजिए यहाँ पे, ये हमारा जो है आप ये देख रहे हैं ये अलग अलग जो है एरिया आपको जो है नजर आ रहा होगा, ये जो ग्रीन कलर का ये हमारा वेजिटेशन वाला एरिया आपको नजर आ रहा है। अब आपको बताते हैं डेंस वेजिटेशन यानी घने वनस्पति और क्लाइमेट का जो है आपस में क्या जो है रिलेशन है, इंपॉर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट, वन का महत्व हमारे लिए हमारी जिंदगी में क्या है, स्थानीय जलवायु को संशोधित करते हैं, कंट्रोल सॉइल इरोजन, हमारी जो है मिट्टी है उसको रोकने में जो है सहायक होते हैं यानी सॉइल इरोजन, और इसके बाद धारा प्रवाह को भी यह नियंत्रित करते हैं, रेगुलेट स्ट्रीम ऑफ फ्लो, सपोर्ट ए वैरायटी ऑफ इंडस्ट्री, विभिन्न प्रकार के उद्योगों को समर्थन भी करता है, प्रोवाइड लाइवलीहुड आजीविका का भी प्रदान करता है, इसके बाद पैनोरमिक और सीनरिक व्यू फॉर रिक्रिएशन मनोरंजन के लिए भी मनोरम और दर्शनीय स्थल भी हमको जो प्रोवाइड करता है, कहते हैं ना खूबसूरत नजारा हमको जो है नजर आता है, तो वो क्या होता है वो हमारा डेंस ये वेजिटेशन के ही कारण नजर आता है, प्रोवाइड ह्यूमस टू द सॉइल एंड शेल्टर टू वाइल्ड लाइफ, और ये मिट्टी और ह्यूमस और साथ में वन्य जीवों को भी आश्रय प्रदान करता है, ये क्या करता है यानी जहाँ पे घने जंगल होंगे वहाँ पे हमारे जो जंगली जानवर है अपने आप को बहुत ही सेफ और सिक्योर्ड महसूस करते हैं, ये आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ये सब कारण क्लाइमेट के कारण ही होता है। इस तरह फॉरेस्ट प्ले ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल, बट इंडियाज नेचुरल वेजिटेशन हैज अंडरगॉन मेनी चेंजेस ड्यू टू दी सेवरल फैक्टर सच एज growing of demand of cultivated land, development of industry and mining, urbanization of overgrazing of pasture, changes in vegetation. Vegetation covers India in large part of no more natural in real sense it has been notified, replaced or degraded how? Except in some inaccessible region like Himalaya, the hilly region of central India and the Marshall मरुस्थली, ये आपको जो आप क्लियर हो गया होगा कि क्लाइमेट हमारा जो है किस तरह नेचुरल वेजिटेशन और हमारी वाइल्ड लाइफ को अफेक्ट करता है। इन दिस वे आवर क्लाउड वन हैज बीन कंप्लीटेड, हमारा क्लाउड वन कंप्लीट हो गया, जिसके अंदर हमने आपको जो है काफी जो है बातें बता दी, काफी कुछ समझा दिया, क्लाइमेट तक बता दिया आपको किस तरह हमारे नेचुरल वेजिटेशन और हमारी वाइल्ड लाइफ को अफेक्ट करता है, क्लाइमेट सॉइल रिलीफ ये सब आपको
क्लाउड वन के अंदर बता दिया। नेक्स्ट जो है क्लाउड टू के अंदर हम आपको और इसी चैप्टर से जो है जुड़े हुए बाकी स्टेप्स को हम जो है आपको बताएंगे समझाएंगे। जब तक के लिए आज्ञा दीजिए, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच।